हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक, ऑल इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, ऑल इवेंट्स ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीटली इन डिटेल्स, राइट। Now I just decided that I just give you a scene in the form of story of whole chapter of French Revolution, as you can conclude and interconnect each and every instance, and you just frame a story in your mind. So dear students, in today's class you will just see the cinema of French Revolution, right? So perhaps it will be going to be very interesting. So firstly, I just decided that whatever the different incident of the French Revolution just occurred, it is just designed in the form of the different डेट्स एंड ईयर, राइट। पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी को कैसे अलग अलग डेट और अलग अलग ईयर में जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ उसको एक टाइम लाइन के फ्रेम में हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, और इस टाइम लाइन के बेसिस पे आप देखोगे कि कैसे कौन सी घटना हुई और कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इससे आपका क्या होगा कि आपको ईयर और डेट और उसका इंपॉर्टेंट इंसिडेंट भी आपको माइंड में आ जाएगा, और पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एक घटना दूसरे घटना से इंटरकनेक्टेड था उसका भी आपको इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसके इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हम पूरे स्टोरी को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी को भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटली इस क्लास की तरफ कंसंट्रेट करें, और वीडियो देखने के ड्यूरेशन में स्किप ना करें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग आपको बताए भी थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग जो है जो 1789 में हुआ, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड जो था वो पहले ही तैयार हो गया था। थोड़ा सा हम एक मिनट में आपको समझा दें कि किसी भी रिवॉल्यूशन, किसी भी पीरियड में और कभी भी किसी कंट्री में कोई भी रिवॉल्यूशन होता है तो उस रिवॉल्यूशन के पीछे कुछ सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। ऑब्वियसली अगर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस होते हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड्स होता है। तो जब तक आप वहाँ के उस बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्लियर आउट नहीं होगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में अगर फ्रांस की सोसाइटी की अगर बात करें, तो जैसा I have explained you in details, French Revolution पूरे तीन ग्रुप में बटा हुआ था। French Revolution की सोसाइटी जो थी वो तीन भागों में बटा हुआ था, थ्री पार्ट्स थे, और जो वहाँ के सोसाइटी में लोग थे वो तीन कैटेगरीज में, क्लर्गी, नॉबेल्स और जनरल पीपल, कॉमन पीपल या थर्ड स्टेट के पीपल के नाम से जाने जाते थे। सबसे टॉप में क्लर्गीज होते थे, जिसमें कि रिलीजियस पीपल्स, चर्च के फादर्स या उसके ऑफिशियल्स जो होते हैं वो सारे उससे रिलेटेड थे। मींस रिलीजियस प्रॉफिट्स जस्ट बिलोंगिंग टू द टॉप क्लास जस्ट कॉल्ड क्लर्गीज। सेकंड जो क्लास था उसमें नॉबेल्स आते थे, नॉबेल्स में जो रूलर्स के ऑफिशियल्स और कोर्ट से रिलेटेड जितने ऑफिसर्स आदि होते थे वो सारे आपको किसमें, नॉबेल्स में आते थे। और तीसरे ग्रुप में अगर हम बात करें तो तीसरे ग्रुप में जो आते थे वो थे कॉमन पीपल, जिसमें मिडिल क्लास से लेकर के जितने आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, वो सारे आपको थर्ड स्टेट में आते थे, जिनको कि थर्ड स्टेट या कॉमन पीपल्स के नाम भी से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना होगा कि क्लर्गीज और नॉबेल्स की जितनी भी एक्सपेंसेस थी या गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स, पैसे की जरूरत होती थी, वो पैसे की रिकवरी कहाँ से होती थी, तो थर्ड स्टेट के जो पीपल होते थे वो दो तरह के टैक्स पे करते थे, एक पे करते थे नोबेल्स के लिए और दूसरे क्लर्गी के लिए। तो क्लर्गी के लिए जो करते थे उनको टैक्स पे करते थे उनको टिथ्स कहा जाता था, और दूसरा नॉबेल्स के लिए
टेल्स के नाम से टैक्स उनका पे करना पड़ता था। टिथ्स जो होता था उनकी इनकम का 1/10 पोर्शन जो होता था उसको टिथ्स के रूप में क्लर्गीज को, रिलीजियस ग्रुप्स को पे करना होता था। तो ये सर्कमस्टांसेस थी, मींस द बर्डन ऑफ द इकोनॉमी वाज टोटली ऑन द थर्ड स्टेट, राइट। ये सिचुएशंस था, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी थी और लगभग 28 करोड़ आबादी थी, ठीक है, 28 करोड़ आबादी थी किसकी, फ्रांस की उस टाइम में, ठीक है, 28 मिलियंस पॉपुलेशन थी वहां पे उस टाइम में फ्रांस की, ठीक है। और उस पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 0.5 और 1% के अराउंड जो थे क्लर्गीज थे, और 1.5 से लेकर 2% तक नोबेल्स थे, और बाकी रिमेनिंग पॉपुलेशन जो थे वो किसके थे, थर्ड स्टेट के थे। मींस देयर वाज मेजॉरिटी ऑफ द थर्ड स्टेट पीपल्स, बट इन द रूलिंग देयर वाज, और किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था आपको पता है, मोनार्कियल रूलिंग सिस्टम उस टाइम में वहां पर था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हम लोग तेजी में आगे बढ़ते हैं, क्या होता है कि 17 से लेकर 80 के ड्यूरेशन में फ्रांस में क्या होता है, 70 से 80 के ड्यूरेशन में इकोनॉमिकल डिक्लाइन होती है, मतलब आर्थिक प्रॉब्लम तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण पूरा फ्रांस गवर्नमेंट बहुत बड़ा कर्ज में चला जाता है। उससे पहले भी लुईस 15 और लुईस 14 की अगर बात करें तो वो बहुत वार लड़े थे, जिसके कारण से वार कंटिन्यूस लड़ने के कारण से ट्रेजरी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया, और कर्ज लेकर के फ्रांस गवर्नमेंट ने फाइट की थी, वार लड़ी थी, जिसका टैक्स पे कर, जिसका इंटरेस्ट जो था वो हैवी क्वान्टिटी में पे करना होता था। तो वो लुईस 14 और 15 का जो इंस्टॉलमेंट था इंटरेस्ट का, वो भी लुईस 16 को पे करना था, और इसके साथ साथ लुईस 16 भी जो एक लग्जरियस रूलर था, और उसने शादी किसे किया था, मैरी एंटोनिएट से, जो कि उसके मतलब दुश्मन देश ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। दोनों ही बहुत विशालकाय मतलब पैलेस में रहते थे, काफी लग्जरियस लाइफ जीते थे, ठीक है। उनको पीपल्स के साथ, पब्लिक के साथ क्या हो रहा था, उस पब्लिक और पब्लिक से कोई लेना देना नहीं था। तो कहने का मतलब ये सारा बैकग्राउंड था जो कि पीपल्स पर बढ़ते हुए बर्डन को शो करता है, और वेन एवर जब बर्डन आपके कंट्रोल से मतलब ढोने से, कैरी करने से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, बर्डन को गिरा दोगे, आपके बोझ जो होंगे उसको सर से नीचे करोगे, और ऑब्वियसली वही सिचुएशंस फ्रांस में आया, और फ्रांस के पीपल्स ने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। तो 1770-80 में देखा जाए तो पूरा फ्रांस जो था बहुत बड़ी कर्ज में फंस गया था। फिर 1788 और 89 की बात करें तो इंस्टेंटेनियसली ये कंडीशन चल ही रहा था। 1788 में देखा जाए तो फ्रांस में मतलब बहुत बैड हार्वेस्टिंग आया, मतलब नेचर भी साथ नहीं दिया, जिसके कारण नेचुरल डिजास्टर आया, जिसके कारण से फसल जो था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गया, बहुत हो गया, मींस पीपल्स वेयर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द टू टाइम्स मील, लोगों को दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलने की सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, ठीक है। मतलब पूरे देश में देखा जाए बैड हार्वेस्ट होने के कारण क्या होगा, अनाज की कीमत काफ़ी तेजी से बढ़ गई, और क्या हुआ, खाने के लिए, अनाज के लिए, चाहे मतलब खाने की वस्तु के लिए लोग आपस में क्या करने लगे, रायट्स करने लगे, दंगा करना स्टार्ट हो गया, मतलब पूरे फ्रांस में फूड रायट्स की कंडीशंस क्रिएट हो गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1789 में हम आते हैं तो पॉलिटिकल कंडीशंस को अब ये इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि एक तरफ पीपल्स तो सफ़र कर रहे थे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से, और दूसरे तरफ रूलर्स भी जो था लुईस 16 वो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था। इसके लिए उसने सोचा कि न्यू टैक्स पब्लिक पर इम्पोज किया जाए, इसलिए उसने जनरल स्टेट मतलब वहाँ पर सारे पीपल्स का मीटिंग के लिए कॉल किया। इससे पहले वो इस तरह का मीटिंग 1614 में हुआ था, और उस समय एक सिस्टम था कि डायरेक्ट रूलर्स मीटिंग नहीं कर सकता था, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होता था वो था स्टेट जनरल्स होता था। तो स्टेट जनरल्स को उसने इन्फॉर्म किया कि एक मीटिंग्स किया जाए तीनों स्टेट के मेंबर्स का, ठीक है। रिजल्टली क्या हुआ, 5th May 1789 को स्टेट जनरल्स का मीटिंग रखा गया, लेकिन मीटिंग में क्या था कि तीनों स्टेट के पीपल्स जो थर्ड 300 फ्रॉम द क्लर्गीज, 300 फ्रॉम द नोबल्स एंड 600 फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स मेंबर्स जस्ट अटेंडेड वेंट टू पार्टिसिपेंट
इन मीटिंग, लेकिन क्या था, क्लर्क ही जो नोबेल्स के लिए वीआईपी अरेंजमेंट थी, उनको बैठने के लिए अच्छी सिस्टम थी, लेकिन थर्ड स्टेट के पीपल के बैठने के लिए अरेंजमेंट नहीं था, जबकि थर्ड स्टेट के पीपल्स 40,000 लेटर लेकर के भी आए थे कंप्लेन, क्योंकि इससे पहले ऐसी मीटिंग 1614 में था, मतलब लोगों का जो बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारी डिजायर थी, बहुत सारी कंप्लेन थी, वो कंप्लेन के फॉर्म में आया था। दूसरी तरफ थी कि दोनों को सभी को एक एक वोट देने का अधिकार कहा गया था, तो ये कहा गया, इनका भी कहा गया कि 300 वोट्स क्लर्गीज देंगे, 300 वोट्स नोबेल्स और 300 वोट्स केवल थर्ड स्टेट से देंगे, लेकिन इनका कहना था कि हम जितने मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स को एक एक वोट देने का अधिकार दिया जाए, लेकिन रूलर्स ने, लुई 16 ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। रिजल्टली जो है थर्ड स्टेट के मेंबर मीटिंग छोड़ करके क्या हो गए, वहां से चले गए। डिटेल्स में आपको बताया है, रिजल्टली वहां से जाने के बाद टेनिस कोर्ट में जाते हैं, टेनिस कोर्ट में जाकर के सारे मीटिंग करते हैं, और टेनिस कोर्ट में जाकर के मीटिंग करने के बाद वहां पे क्या होता है, उन्होंने नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन करते हैं। ये इंसिडेंट अब आता है मई से बढ़कर के 14 जुलाई 1789 पे आता है, जहां पर अगर देखा जाए तो एक तरफ नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन होती है, और एट सेम डे उसी दिन क्या होता है, फ्रांस के कैपिटल सिटीज में क्या होता है, बैसले पे अटैक होता है। बैसले पर क्या करता है, कॉमन पीपल्स स्टेट मतलब अटैक करता है, और इस प्रकार से क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को रिवोल्ट की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जब रिवोल्ट की स्टार्टिंग हो गई 1789 में 14 जुलाई को, तो इस तरह से रिवोल्ट चलते गया, गवर्नमेंट भी मतलब लुई 16 भी इसको क्रश करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, ठीक है। देयर वेयर अ लॉट ऑफ स्टेप्स वाज जस्ट टेकन बाय द रूलर टू क्रश दिस रिवॉल्यूशन, बट इट वॉज रियलाइज बाय द लुई 16 दैट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रश द रेवोल्यूशनरीज पीपल। रिजल्टली वॉट हैपेंड, ऑन 4 अगस्त 1789 रूलर्स जस्ट एक्सेप्टेड that they will just accept the National Assembly, they will just accept the whatever the demand of the National Assembly, revolutionaries of the National Assembly। इसलिए 4 अगस्त 1789 की अगर बात करें तो 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, मतलब रूलर्स लुई 16 सरेंडर करता है, एक तरह से कहता है वो नेशनल असेंबली की डिमांड्स मांगने के लिए तैयार हो जाता है, और उस दिन से क्या होता है, फ्रांस में एरिस्टोक्रेसी रूलिंग की एंडिंग हो जाती है। मतलब अब एक ऐसी गवर्नमेंट थी, मतलब इस ऐसे गवर्नमेंट पे काम करने के लिए तैयार हो गया, जिस गवर्नमेंट में क्या है कि नेशनल असेंबली के सपोर्ट से, नेशनल असेंबली के कंसिडरेशन से, नेशनल असेंबली के एडवाइस से ही रूलर्स वहाँ पे रूलिंग कर सकता है। मतलब इस डेट को इस रूप में आप इम्पोर्टेंटली याद रख सकते हो कि 4 अगस्त 1789 को एंड्स ऑफ राइट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी और द नाइट्स ऑफ द 4 अगस्त, 4 अगस्त 1789 को एरिस्टोक्रेसी की राइट खत्म हो जाती है, ठीक है, मींस एक तरह से कह सकते हैं एरिस्टोक्रेटिक रूलिंग का एंडिंग हो जाती है, और मतलब कि नेशनल मतलब रूलर्स अब अपने मन से, अपने डिजायर से जो चाहता वैसा करने का सिस्टम अब खत्म हो गया था। मींस रूलर्स विल टेक सजेशन विद द नेशनल असेंबली मेंबर्स एंड आफ्टर दैट एनी डिसीजंस विल बी फाइनलाइज्ड, राइट। उसके बाद 1789 में आगे बढ़ते हैं, 26 अगस्त 1789 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट। व्हाट हैपेंस ऑन दिस डेट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन, और उसके बाद क्या होता है, 26 अगस्त 1789 को फ्रेंच गवर्नमेंट जो है, नेशनल असेंबली जो है, मतलब अब ये देखो कि मेन वर्किंग किसका होगा, नेशनल असेंबली का होगा, नेशनल असेंबली का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। तो नेशनल असेंबली जो है राइट ऑफ मैन के लिए राइट्स डिक्लेयर करता है, जिसमें कि सिटीजन्स को दो पार्ट में बांट देता है, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि ऑल दोज पीपल्स विल बी गिवन द वोटिंग राइट्स हु आर मेल एंड हैविंग कैपेसिटी टू पे 3 डे इनकम एज ए टैक्स। एक्टिव सिटीजन्स के कैटेगरी में उन्हें रखा गया जिनका एज 21 और 21 से ज़्यादा था, और जो अपने इनकम का 3 दिन का वेजेज जो है वो गवर्नमेंट को क्या हो टैक्स के रूप में पे कर सकता था, उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिया गया, उसमें भी केवल मेल को और सारे फीमेल को पैसिव वॉइस, और वैसे लोग जो 3 दिन का टैक्स पे नहीं कर सकते थे, 21 ईयर से ज़्यादा के नहीं थे या
ठीक है, उन सारे को पैसिव सिटीजन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो इस डेट को इसलिए हम इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे कि कुछ ही लोगों को राइट्स देने की बात हो, लेकिन कुछ ही लोगों को राइट्स का डिक्लेरेशन इस डेट को किया गया था, ऑन 26 अगस्त 1789। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब इस प्रकार से देखा जाए तो फ्रांस में नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से आप चैप्टर्स में और बीच में देखोगे कि स्टार्टिंग में कैसे तीन बार अगर इस नेशनल असेंबली को डिसमिस किया था, किसने? लुई 16 ने। लेकिन रिजल्टली ये हुआ कि फ्रांस में फिर से लुई 16 उतना पावर होकर के नहीं आया। भले ही एक पार्लियामेंट एक नेशनल असेंबली को वो डिसमिस कर देता था, लेकिन फिर जो है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता था। इस तरह से रूलिंग चलती रही, आगे बढ़ता गया नेशनल असेंबली। अब देखते हैं कि अब हम लोग आते हैं 1719 में, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्गी नेशनलाइज द चर्च। अब कहता है जो चर्च आदि था, अब यहां से इसके बाद 19 में देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली को जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की वर्क दिया गया था, तो 1790 में जाकर के ये कंप्लीट हो गया था। मतलब अब फ्रांस में जो एरिस्टोक्रेसी के द्वारा रूलिंग बनाया गया था और उसी बेसिस पे नेशनल असेंबली के कंसिडरेशन से जो रूलिंग चल रही थी, उसके जगह पर एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया गया और जितने चर्च आदि थे उस सारे चर्च को नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, चर्च जो है अब वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज नहीं थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी और उस गवर्नमेंट उस चर्च को दूसरे रूप में भी यूज किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं तो सिविल व्हाट हैपेंड ऑन 1790, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्गी नेशनलाइज द चर्च। आगे इसी पीरियड में एक 1791 आता है। 1791 में आपको याद होगा तो 1791 में जाकर के फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो जाता है और फ्रांस में कम्प्लीटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। इसी ड्यूरेशन में अगर आपको याद होगा पूर्व वीडियोस आपको बीच में याद होगा तो देखा जाए भले ही एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के रूप में डिवाइड कर देने से, ठीक है, फ्रांस में पीपल्स को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स के रूप में जो डिफरेंट राइट्स दे दिए गए थे, तो मिडिल क्लास और रिच मिडिल क्लास के लोग को तो कुछ कहा जाए तो रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, वो तो खुश थे, लेकिन वट एवर पीपल जस्ट वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम फॉर गेटिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और फॉर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स, वट हैपन टू दोज पीपल्स, दोज कॉमन पीपल्स जस्ट बिलोंगिंग फ्रॉम द वीकर इकोनॉमिकल क्लास, दे वेयर फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग एंड वेयर जस्ट वेटिंग फॉर द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। तो इसका रिजल्टली क्या हुआ, इसके लिए एक बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ और वो सारे पॉलिटिकल पार्ट जो ग्रुप थे वो सारे ऐसे लोगों के डिमांड के को राइज करने का काम किया, सरकार का अगेंस्ट करना काम करना शुरू किया और ऐसे ही पॉलिटिकल ग्रुप में जैकोबिन्स क्लब का राइजिंग होता है और जैकोबिन्स क्लब जो होता है वो पूरे फ्रांस में फैल, चूंकि वीकर सेक्शन को वो रिप्रेजेंट करता था और तो बहुत तेजी से ये जैकोबिन्स क्लब पॉपुलर हुआ और लाखों के संख्या में मेंबर्स इसमें जुड़ते चले गए और पूरे फ्रांस में अगर देखा जाए तो अलग अलग रीजन्स में जैकोबिन्स क्लब का ग्रुप बन गया और जब ये जो है गवर्नमेंट को जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट को वो जो है चैलेंज करना शुरू कर दिया। रिजल्टली क्या करता है, रिजल्टली ये अटैक ये करता है और उसके बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली खत्म होने के बाद उसके जगह पे वो इलेक्शन के माध्यम से क्या हो जाता है, जैकोबिन्स क्लब जो है पावर में आ जाती है और रॉबर्ट्स पियरे जो है जैकोबिन्स क्लब का रूलर बन जाता है। ठीक है, और क्या कह सकते हो, इस प्रकार से वीकर सेक्शन का जो है एंट्री हो जाती है रूलिंग में, राइट। अब देखते हो एक सिस्टम, एक एक इंसिडेंट एक दूसरे इंसिडेंट से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, सारे इंसिडेंट एक इंसिडेंट जो है एक से दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अब रॉबर्ट्स पियरे फिर आ जाता है। रॉबर्ट्स पियरे आने के बाद क्या है कि रॉबर्ट्स पियरे बहुत स्ट्रिक्ट होता है, नो डाउट। रॉबर्ट्स पियरे आने के बाद उसने क्या किया, उसने जो पहले एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स का कैटेगरी था उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के तहत उसने सभी जो मेल थे जिनकी 21 ईयर से ग्रेटर मोर देन एज था सभी को वोटिंग राइट्स दे दिया, भले लेकिन वोमेन को उसने वोटिंग राइट्स नहीं दिया।
वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को उसने कभी मान्यता नहीं दी, उसको बैन कर दिया। सेंसरशिप जो मतलब किसके पास टाइम में था, 1789 से पहले था सेंसरशिप पर रेस्ट्रिक्शन, उस रेस्ट्रिक्शन को रिलीज कर दिया गया था नेशनल असेंबली के गवर्नमेंट में, लेकिन रॉबर्ट्स पियरे के गवर्नमेंट में आने के बाद रॉबर्ट्स पियरे ने और सेंसरशिप पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, उसको और बैन कर दिया। देखते हैं कि रॉबर्ट्स पियरे की गवर्नमेंट जो थी, रॉबर्ट्स पियरे की रूलिंग पीरियड को राइन्स ऑफ टेरर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइन्स ऑफ टेरर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि रॉबर्ट्स पियरे नो डाउट जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आया था, उस एक्सपेक्टेशन में वो काफ़ी खरा नहीं उतरा। उसका ये एम था कि केवल जो है कॉमन जो लोअर वीकर सेक्शन का पीपल है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट में केवल उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और इसके लिए वो सारे लोग जो उनके अपोज करने वाले थे, दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप के थे, ठीक है, वो चाहे उनके ही रूलिंग में उनकी ही पार्टीज के उनके ही क्लब के जो भी मेंबर्स के बारे में उन्हें लगता था कि उनका उसका अगेंस्टर है, रॉबर्ट्स पियरे का अगेंस्टर है, उसको क्या किया उसने, उस सभी को उस पर केस ट्रेजेंस चलवा करके, देशद्रोह का केस चलवा करके उन सारे को एग्जीक्यूट करवा दिया। एग्जीक्यूट करने के लिए एक मतलब इंस्ट्रूमेंट था गुलेटिन, आपको याद होगा गुलेटिन, जिसमें कि डॉक्टर गुलेटिन ने जिसका डिस्कवरी किया था, तो उस गुलेटिन पे लटका के हजारों लाखों हजारों लोगों को ऐसे जो उसके अपोजिटर्स के रूप में थे, अपोजर्स के रूप में थे, उन सारे को फांसी पे उसने लटका दिया। तो रॉबर्ट्स पियरे जो अपने एक साल के रूलिंग में देखा जाए उसे जो भी लगता था कि उसके रास्ते में, ठीक है, रास्ते में उसके दुश्मन हैं, उन सारे को वो फांसी पे लटकाया। रॉबर्ट्स पियरे के रूलिंग में ही क्या हुआ, रॉबर्ट्स पियरे के रूलिंग में 1793 को लुईस 16 और मैरी एंटोनिएट उसकी वाइफ दोनों को क्या किया गया, गुलेटिन पर पब्लिकली लटकाया दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, कहते हैं अगर 1792 की अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1792 एक और इम्पॉर्टेंट ईयर के रूप में है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जाके प्रिपेयर्ड हुआ था उसको, उससे क्या हुआ, जो एब्सोल्यूट मोनार्की जो था कहाँ पे, फ्रांस में, उसके जगह पर फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में कन्वर्ट कर दिया। 1793 को क्या होता है, 1793 को लुई 16 और मैरी एंटोनिएट को दोनों को फांसी पे क्या कर दिया, मतलब गुलेटिन पे लटका दिया जाता है। और अब देखा जाए 1792-94 द रायल ऑफ टेरर स्टार्ट ऑस्ट्रिया ब्रिटेन एंड द नीदरलैंड्स प्रूसिया एंड स्पेन आर एट वार विद फ्रांस। दूसरी तरफ जो भी देखा जाए जिस प्रकार से लिबरलिस्ट पावर का एक्सपेंशन फ्रांस में हो रहा था, जिस प्रकार से अर्लियर मोनार्कियल रूलिंग खत्म हो रहा था, तो आसपास के फ्रांस के जितने भी कंट्रीज थे वो सारे काफ़ी टेंशन में थे कि जिस तरह से फ्रांस जैसे पावरफुल कंट्री में एरिस्टोक्रेसी को खत्म किया जा सकता है, तो ये खतरा हम लोग के लिए भी है। इसलिए मतलब फ्रांस के जो लिबरल रूलिंग पर था, लिबरल रूलिंग पे एक साथ ऑस्ट्रिया ब्रिटेन नीदरलैंड प्रूसिया और स्पेन जो है उस पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन एक बार ध्यान रखना है कि अटैक करने के लिए सोच रहे थे, कुछ ने अटैक भी किया, लेकिन उसको काफी स्ट्रांगली फ्रांस ने उसको क्या किया, मतलब रिप्लाई किया। ठीक है, भले ही उससे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेकिन स्ट्रांगली अपोजिशंस उसको मिला। फ्रांस का जो है नेशनल असेंबली जो कि अब कन्वेंशन में कन्वर्ट हो गया था, रॉबर्ट्स पियरे ने उस क्या किया था, नेशनल असेंबली को ख़त्म करके कन्वेंशन नाम रखा था पार्लियामेंट को। तब पार्लियामेंट नेशनल असेंबली का हो या कन्वेंशन का हो, ये दोनों ने स्ट्रांगली इसको क्या किया, अपोज किया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, द राइन्स ऑफ टेरर स्टार्ट्स ऑस्ट्रिया ब्रिटेन द नीदरलैंड्स प्रूसिया एंड स्पेन आर एट वार विद द फ्रांस। मीन्स फ्रांस 1792 से 94 के बीच में देखा जाए तो इस पीरियड में फ्रांस को बहुत सारे कंट्रीज के साथ लड़ना पड़ा था। कौन कौन से कंट्री से लड़ना पड़ा था, तो नीदरलैंड से, प्रूसिया से, स्पेन से, ब्रिटेन से और ऑस्ट्रिया से। इसी ड्यूरेशंस में देखा जाए तो रॉबर्ट्स पियरे कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिपेल्स बैक फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब रॉबर्ट्स पियरे की कमिटी का ये था कि पब्लिक के सेफ्टी के लिए ये जरूरी है कि फॉरेन जो इन्वेडर्स जो हैं, विदेशी जो उन पर अटैक करते हैं, उनको खदेड़ करके बाहर कर दिया जाए। ये इशू लगा दे करके कि चूंकि
आउटसाइडर अटैक करके हमारे पब्लिक को परेशान कर सकते हैं, हमारी पब्लिक की सुरक्षा के लिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है, समस्या हो सकता है। इसलिए जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको खदेड़ करके फ्रांस के रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने, रूलिंग ने उसको क्या क्या खदेड़ करके यहाँ से भगा दिया, मतलब ताकत के साथ वो सबके सामने आया, ठीक है। कहता है एग्जीक्यूट्स मेनी एनिमीज ऑफ द पब्लिक इन फ्रांस इटसेल्फ, इतना ही नहीं फ्रांस के अपने लोग जो थे जो कि रोबेस्पियर के दुश्मन थे उन सारे लोगों को क्या किया गया, उन सारे बहुत हजारों लोगों को बताया था मैंने, हजारों लोगों को उसने फांसी पे लटकाने का प्रयास किया और लटका दिया, ठीक है। उसके रास्ते में, उसके आगे बढ़ने में, उसके रूलिंग केस में जो भी सामने आया किसी को नहीं छोड़ा और उसको उसके गुलेटिन, उसको गुलेटिन पे लटका दिया। एक तरफ ये डे बाई डे मतलब क्या होते जा रहा था, मतलब डे बाई डे क्रूएल होते जा रहा था, ठीक है, टेरर रूलिंग, इसकी रूलिंग टेरर जैसा होने लगा था। तो दूसरी तरफ इसके अपने ही पॉलिटिकल अपने ग्रुप के जैकोबिन्स क्लब के ही बहुत सारे मेंबर्स इसके दुश्मन होते चले गए, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसने लटकाया जरूर, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इसके दुश्मन से हो गए और ये चाहते थे कि जब जो है जो भले ही कन्वेंशन की रूलिंग है, कन्वेंशन की रूलिंग को हटा करके क्या किया जाए, कन्वेंशन की रूलिंग को हटा करके, कन्वेंशन के में जो है रोबेस्पियर को हटा करके दूसरे तरह के दूसरे रूलर्स को लाया जाए। और इसमें जब वो स्ट्रांग हो गया अपोजिटर उसके जो ग्रुप के ही, तो रिजल्टली क्या होता है, रोबेस्पियर पर उसने मतलब क्या चला दिया, रोबेस्पियर पे के मतलब केस चलाया ट्रीजन का और लास्टली उसमें पकड़ा गया। और लास्टली क्या होता है 1794 में, ठीक है, 1794 में रोबेस्पियर इज एग्जीक्यूटेड, फ्रांस इज गवर्न बाय, अब 1794 को क्या किया गया, फिर से 1794 में रोबेस्पियर को गुलेटिन पर लटका दिया, जिसने गुलेटिन बनवाया था, जिस गुलेटिन की सहायता से हजारों मौत करवाई थी, वही रूलर्स रोबेस्पियर को भी फिर लास्टली क्या करना पड़ा, उसको मतलब गुलेटिन में लटकाया गया। अब यहाँ पर देखते हैं 1794 में जब रोबेस्पियर की रूलिंग खत्म हो, रोबेस्पियर मर जाता है, तो क्या अब देखें कन्वेंशन खत्म हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में देखा जाए कि रोबेस्पियर भले ही डेमोक्रेट एक मतलब मोनार्कियल रूलिंग नहीं था, लेकिन वन हैंड रूलिंग थी, तो ये एक तरह से सही रूलिंग नहीं था। इसलिए एक आदमी फिर मतलब रूलिंग मिलने के बाद फिर से डिक्टेटर ना हो, इसलिए कन्वेंशन के जगह पर डायरेक्टरी रूलिंग आई। डायरेक्टरी रूलिंग में क्या था, डायरेक्टरी रूलिंग में डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स बनाए गए, ठीक है, डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स बनाए गए, जिसके कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स मिलकर उनको चुनते और वो पांचों मिलकर के रूलिंग कोई डिसीजंस ले सकते थे। वो पांचों मेंबर्स और जो पार्लियामेंट था उनके कोऑर्डिनेशन के साथ ही कोई डिसीजन लिया जा सकता था, जिससे कि कोई एक व्यक्ति क्या डिक्टेटर ना हो और वन हैंडेड रूलिंग ना हो। इसलिए कन्वेंशन रूलिंग की उसके बाद वहां पर स्टार्टिंग 1794 में हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हो 1794 के बाद बहुत सारे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी हो जाती है, स्लेवरी जो था उसको एबोलिशन किया गया, ठीक है। इस ड्यूरेशन में और भी बताएं कि इस ड्यूरेशन में जब रोबेस्पियर के रूलिंग के टाइम में, रोबेस्पियर के रूलिंग के टाइम में देखा जाए तो वुमेन्स ने भी बहुत पार्टी बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल किया था कि उसको भी पब्लिक पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बावजूद भी वोमेन को कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिला। नो डाउट उनकी इम्प्रूवमेंट, उनके स्टेटस की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे रूल्स भी बनाए गए, एजुकेशन को, स्कूलिंग को कंपलसरी बनाया गया, फादर के हाथ में जो गर्ल्स के लिए और वो था कि शादी का मैरिज का जो मैरिज का जो राइट था कि, तो उसके तहत ये रूल बनाया गया रोबेस्पियर के द्वारा कि वोमेन्स अपने मर्जी से शादी कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स उसके फादर्स उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, और मतलब मेल की तरफ फीमेल भी डिवोर्स कर सकती हैं। तो बहुत सारे राइट्स जरूर दिए गए, लेकिन अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया। इसी ऑर्डर में एक ओलंपी डी गॉग्स थी, ओलंपी डी गॉग्स जो वुमेन पॉलिटिशियन थी, उन्होंने वुमेन्स के बहुत सारे राइट्स, वुमेन्स राइट्स और राइट्स ऑफ द सिटीजन्स का डिमांड किया था, लेकिन रोबेस्पियर ने उसे भी फांसी पे लटका दिया था। इसी में आपको बताया था कि अबेसायस और अबेसायस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल और मिराबियू, अबेसायस एंड मिराबियू वाज हैड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जस्ट बिलोंगिंग फ्रॉम द क्लर्गीज एंड नोबल्स बट सपोर्टिंग टू द रेवोल्यूशनरी, राइट, ठीक है। अबेसायस और मिराबियू के ही लीडरशिप में क्या हुआ,
नेशनलिस्ट ने सॉरी रेवोल्यूशनरीज ने मतलब नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो अब 1794 में नेशनल असेंबली मतलब डायरेक्टरी रूलिंग के स्टार्ट होने के बाद रूलिंग चलती रही, लेकिन ये ड्यूरेशंस बहुत लंबे तक समय तक सक्सेसफुल नहीं रहा और ये लिटिल बिट पार्शियल डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम मतलब एरिस्टोक्रेटिक रूलिंग से मोनार्कियल रूलिंग से एक पार्शियल डेमोक्रेटिक सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट 1794 में जरूर हो गया था या 1789 से स्टार्ट होकर के चलता रहा और ये कंटिन्यूसली 1799 तक में चला, जब तक कि 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट उनके मतलब पीपल्स के पब्लिक के लीडर्स के रूप में जब तक कि सामने नहीं आए। 1799 में पब्लिक के लीडर्स के रूप में मतलब नेपोलियन बोनापार्ट आए, डे बाय डे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, ठीक है। और लास्टली 1804 में क्या होता है, कन्वेंशन की गवर्नमेंट को सॉरी डायरेक्टरी रूलिंग की गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को रूलर्स डिक्लेयर कर देता है। हालांकि इनिशियली लोगों की ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट होगा वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक रूलिंग लाएगा, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हुई और अपने आप को वो डिक्टेटरशिप रूलिंग रूलर्स डिक्लेयर कर लिया। डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर और समझने क्या है कि डिक्टेटरशिप घोषित करने के बावजूद भी उसने फ्रांस में फ्रांस के पीपल्स को वेलफेयर के लिए उनके मॉडर्नाइज करने के लिए उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे मतलब सपोर्टिव पॉजिटिव पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज उसने बनाया, जिस कारण से पब्लिक का सपोर्ट वो एक डिक्टेटरशिप रूलर होने के साथ साथ पब्लिक का सपोर्ट उसे हमेशा मिलता रहा, ठीक है। उसने वेट एंड मेजर सिस्टम को इम्प्रूव किया, ठीक है। इतना ही नहीं, रूलर्स बनने के बाद अब मतलब फ्रांस की डायनेस्टी को फ्रांस के टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए वो पूरा मेहनत किया, जो जो एरिया को जीतता था अपने ट्रस्टफुल पर्सन को वहाँ पर पोस्ट कर दे डिपोस्ट करता था और उसके बाद डे बाई डे मतलब नेपोलियन के टाइम में देखा जाए तो फ्रांस जो था उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया। फ्रांस एक बहुत बड़ा डायनेस्टी बन चुका था जिसको कि प्रूसिया ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रसिया सभी लोग उसको हराना चाहते थे और 1804 में रूलर्स डिक्लेयर होने के बाद वो रूलिंग चलता रहा और 1814 तक वो सक्सेसफुली डायनेस्टी को एक्सपेंड करता रहा। लेकिन एक तरफ तो वो अपना डायनेस्टी को एक्सपेंड कर रहा था तो दूसरी तरफ फ्रांस में फ्रांस और नेपोलियन के बहुत सारे दुश्मन हो गए और कलेक्टिवली 1815 में ब्रिटेन रसिया प्रूसिया और ऑस्ट्रिया मिलकर कलेक्टिवली मिलकर के अटैक करता है। अटैक करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद देखा जाए तो फ्रांस के वो सारे एरिया जिसको उसने जीता था उसको आपस में ये सारे चारों कंट्रीज मिलकर बांट लेते हैं और फ्रांस की रूलिंग फिर से क्या है, लुई 16 का जो खानदान था बॉर्बन डायनेस्टी उसके हाथों में दे देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की छोटी सी कहानी। हालांकि बहुत सारी चीज इसमें इंटरेस्ट रही है मुझे पता है, लेकिन लिटिल बिट डिटेल्स जो है पूरे इन्वेंट का हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इंडिविजुअल्स पार्ट्स में। और ये स्टोरी जो है आप इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या हो सकता है, फ्रांस का पूरा स्टोरी आपके माइंड में आ जाता होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज वीडियो व्हाट एवर यू जस्ट लर्नड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड सो योर स्टोरी एंड जस्ट पोस्ट इन क्लासरूम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल जस्ट कम विद फ्यू क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।